गोबी ले ले। क्या आपको भी फ्री फायर लाइव स्ट्रीमिंग करना है, वो भी बिना किसी 1.5 लाख के कंप्यूटर के या बिना किसी 1500 रुपए के सॉफ्टवेयर के? क्या आपको भी फ्री फायर लाइव स्ट्रीमिंग करना है, वो भी अपने मोबाइल फोन से एंड उसी के साथ? क्या आपको भी चाहिए फ्री फायर लाइव स्ट्रीमिंग करने का बेस्ट एंड फ्री एप्लीकेशन, जो कि आपको देने वाला है एकदम कंप्यूटर जैसा कस्टमाइजेशन एंड कंप्यूटर जैसा फ्लेक्सिबिलिटी, वो भी बिना किसी लैग के एंड फुल HD क्वालिटी? क्या आप भी फ्री फायर लाइव स्ट्रीमिंग पे नहीं हो, या क्या आप भी जानना चाहते हो कि एक अच्छा स्ट्रीमर कैसे बना जाए? तो डरने की कोई बात नहीं है, जब तक आप लाइव स्ट्रीमिंग करना नहीं सीखते हो तब तक मैं आपका हाथ पकड़ के रहूँगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लिटन नाइट एंड आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कैसे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं मोबाइल फ़ोन से, वो भी बिना किसी लैग के एकदम फ्री एप्लीकेशन से एंड जो कि आपको कंप्यूटर जैसा कस्टमाइजेशन देने वाला है। फ्री फायर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए बेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन है डीयू रिकॉर्डर। हाँ मेरे दोस्तों, फ्री फायर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए बेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन है डीयू रिकॉर्डर। एकमात्र डीयू रिकॉर्डर से आप एकदम कंप्यूटर जैसा लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, वो भी फ़ोन से। हाँ एक चीज़ तो है कि डीयू रिकॉर्डर एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है, पर डरने की कोई बात नहीं है, मैंने इसको फुली मॉडिफाई किया है और मॉडिफाई करके मेरा गूगल ड्राइव के अकाउंट पे अपलोड कर दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड करेंगे तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। और ये पूरा हलाल है मेरे दोस्त, जल्दी से डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आई बटन पे दिया हुआ इस लिंक, इस वाले वीडियो पे जाओ। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि कैसे ड्यू रिकॉर्डर डाउनलोड करना है, और इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ड्यू रिकॉर्डर का जो बेसिक सेटिंग्स है ये भी कैसे करते हैं आपको दिखा दिया है। सो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए, ड्यू रिकॉर्डर को इंस्टॉल कर लीजिए और ये सेटिंग्स जो है इनको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। और अगर आपने अब तक ड्यू रिकॉर्डर इंस्टॉल कर लिया है मेरा दिया हुआ लिंक से, तो आपको ड्यू रिकॉर्डर के अंदर आना है और उसके बाद आपको सेटिंग्स पे जाना है। और सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको एकदम नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको जो इधर एक ऑप्शन है जिसका नाम है पर्सनलाइज्ड वाटरमार्क फॉर लाइव स्ट्रीम, इस पर आपको दबा देना है। अब आप नीचे लाइव टेम्पलेट पे टैप कीजिए और आपके सामने कुछ ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा, और आपको इधर अपना फेवरेट जो टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं ये वाला टेम्पलेट लूँगा और इस पे कुछ लिख दूँगा, ऊपर लिखने का भी जगह है। सो मैं इसको कट कर देता हूँ और मैं अपना कुछ लिख देता हूँ, लाइक लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं लाइक एंड शेयर। हाँ लाइक एंड शेयर दिस स्ट्रीम, ये लिख देते हैं इधर। और हम लोग नीचे लिख देंगे सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हाँ ये दोनों लिख के हम कंफर्म कर देते हैं। अब देखिए कंफर्म करने के बाद हमारा जो ये टेम्पलेट है ये सेव हो जाएगा। अब हमको इधर एक कुछ इमेजेस देना है जो कि लाइव स्ट्रीमिंग पे होता है, तो पहले हम लोग अपना लॉगो देंगे। सो पहले आपको अपना लॉगो वाला फाइल को ढूंढ के निकलना पड़ेगा। हमें मैं अपना जो लॉगो वाला फाइल है मैं उसको बाहर करता हूँ और फिर लॉगो को सिलेक्ट करता हूँ। और लॉगो को सिलेक्ट करने के बाद मैं इधर इसको प्लेसमेंट करूँगा, साइज़ ठीक करूँगा। साइज़ ठीक करने के बाद मैं इसको सही प्लेस में दूँगा और ओके कर दूँगा। अब ओके कर देते हैं, चलो। हाँ ओके, ये सही है, ओके कर दिया। अब चाहे तो मैं और भी कुछ फ़ोटो वोटो डाल सकता हूँ, चलो ये रोहित का फ़ोटो डाल देते हैं। हाँ ये रोहित वाला फ़ोटो अच्छा लगेगा, ये रोहित का फ़ोटो डाल देते हैं इधर नीचे की ओर, छोटा हो जा। ये शायद सही है, थोड़ा और छोटा करूँ क्या? नहीं नहीं, यही सही लग रहा है। व्यूअर्स लोग इसको देख के थोड़ा सा हंसेंगे या कुछ भी करेंगे, कोई बात नहीं। चलो इसको ओके कर देते हैं रोहित का फ़ोटो को। और हाँ मैं जो इधर जो भी यूज़ कर रहा हूँ मैं उनको भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उन उधर से भी ले सकते हो। और अब चाहो तो मैं एक लाइक का आइकॉन इधर दे सकता हूँ, ये रहा, इसको मैं दे सकता हूँ, इसको ऊपर देता हूँ, अच्छा लगेगा बस व्यूअर्स को, वो लाइक करना याद रखेंगे। चलो इधर प्लेस करते हैं, और इधर प्लेस करने के बाद साइज़ तो सही है। हाँ इधर प्लेस करें क्या? हाँ इधर ही प्लेस करते हैं, चलो अब ओके कर देते हैं। आप चाहे तो और भी फ़ोटो ऐड कर सकते हो, मुझे ये 3 फ़ोटो ऐड करना है और ज़्यादा नहीं। आप चाहे तो कुछ लिख भी दे सकते हो, ऐड टेक्स्ट पे देके एक्स्ट्रा कोई भी जगह पे लिख सकते हो, पर मुझे तो नहीं लिखना है। ऐसे आप अपना व्यूअर्स का जो स्क्रीन है इसको एडिट कर सकते हो एकदम PC जैसा। इसीलिए ड्यू रिकॉर्डर हर एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप से अलग है, ये बस ड्यू रिकॉर्डर पे पॉसिबल है, और कंप्यूटर के जो लाइव स्ट्रीमिंग का अच्छा अच्छा सॉफ्टवेयर है उन पे पॉसिबल है। सो इस बात पे तो मुझे एक लाइक मिलना ही चाहिए। सो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो ब्रो या सिस्टर जो भी देख रहे हो। अब और भी कुछ ज़रूरी सेटिंग्स है, मैं ये भी आप लोगों को समझा देता हूँ।
अब उस सेटिंग्स को ओके करने के बाद ऊपर देखिए सेट पॉपअप विंडो इमेज का एक ऑप्शन है, इस पे जाके आपको अपना लोगो सिलेक्ट कर देना है और कंफर्म कर देना है। और अब जो आपका जो पॉपअप विंडो है इधर छोटा वाला, इस पे आप अपना लोगो दिखाई देगा लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पे। और आप चाहे तो अपना वॉइस भी चेंज कर सकते हो, मुझे तो अपना वॉइस चेंज करना नहीं है, चेंज वॉइस पे टैप करके आप अपना वॉइस चेंज कर सकते हो। सो चलो अब लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करते हैं। पहले एक प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करो, यूट्यूब, फेसबुक या ट्विच, कुछ भी हो, हम लोग यूट्यूब लेंगे, यूट्यूब पे चालू करेंगे। सो यूट्यूब पे देने के बाद हमको अपना चैनल को चैनल पे लॉगिन करना है। टेंशन मत लो, आपका डिटेल स्टोरी नहीं होगा। अब आपको अपना जो यूट्यूब लाइव का जो टाइटल है, इधर एक अच्छा टाइटल दीजिए। सो मैंने एक अच्छा टाइटल दे दिया है और अच्छा डिस्क्रिप्शन भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन पे भी अपना टाइटल को रख दीजिए और कुछ लिंक भी दीजिए अच्छा अच्छा, और कुछ अच्छा अच्छा बात लिखिए। आप क्यों लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, आप कौन है, आप कब गिव अवे करेंगे, ऐसा कुछ लिख दीजिए। अब यहाँ पे आके आपको लाइव टू पब्लिक रखना है, और अगर आप टेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं मेरे जैसा तो प्राइवेट कर रखिए। सो मैं तो अब टेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ इसीलिए प्राइवेट कर रखा हूँ, पर अगर आपको एकदम फाइनल लाइव स्ट्रीमिंग करना है लोगों के साथ, सबके साथ, तो पब्लिक पे रखिए और शुरू हो जाइए। तो चलो मैं लाइव स्ट्रीमिंग चालू करने के लिए पहले अपना जो लाइव टू है उसको चेंज कर देता हूँ टेस्ट लाइव पर। अब आपको ये जो पहला वाला सेटिंग्स है, सेटिंग्स का आइकन है, इस पर टैप करके इधर लाइव रेजोल्यूशन पे आना है, और आपको अपना फ़ोन एंड इंटरनेट के हिसाब से आपको इधर रेजोल्यूशन रखना है। अगर आपका फ़ोन एंड इंटरनेट मस्त है तो 1080p फुल HD पे रखिए, और अगर दोनों टट्टी है तो 480p के नीचे रखिए, और अगर मिड रेंज फ़ोन है, मिड रेंज इंटरनेट कनेक्शन है, तो 720p ओनली HD पे रखिए। और आप चाहे तो अपना वॉइस भी चेंज कर सकते हैं। सो और अब आप देखिए इधर और भी एक ऑप्शन है जिसका नाम है सेट लाइव कवर। अगर देखिए जो आपका जो लाइव का या वीडियो का जो कवर इमेज होता है या थंबनेल होता है उसे आपको एक बनाना है, या आपको भी अगर मेरे जैसा बनाना है तो मैं और एक वीडियो डाल दूंगा इसके ऊपर अलग से कि कैसे ये कवर इमेज बनाते हैं। तो आपको इधर एक कवर इमेज सिलेक्ट करना है और इसको कन्फर्म कर देना है, तो ये मेरा कवर इमेज होने वाला है। और नीचे देखिए इधर है सेट लाइव स्ट्रीमिंग पॉज इमेज, इधर जब आप लाइव स्ट्रीमिंग पॉज करते और एक इमेज आता है ऐसा, सो ये वो इमेज है, जब आप पॉज करेंगे तो ये वाला इमेज ओपन हो जाएगा। सो इसे भी बनाना मैं दूसरे वीडियो में सिखा दूँगा। आप ही के कोई कवर इमेज या पॉज इमेज यूज़ कीजिए, या सिंपली गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, और जब मेरा वीडियो आ जाएगा आपको मिल जाएगा। और आप चलिए दूसरे सेटिंग्स पे आते हैं, इधर दूसरा जो सेटिंग्स का आइकन है इस पे टैप कर दीजिए, और इधर देखिए अलर्ट का ऑप्शन है। अलर्ट का ऑप्शन पे आने के बाद आपको ये दोनों ही ऑप्शन को ओके करके रखना है, और इधर जो डिस्प्ले ड्यूरेशन हो इसके आप 5 या 6 सेकेंड पर रख दीजिए। और इधर जो ऑडियो अलर्ट पे सब्सक्रिप्शन अलर्ट एंड डोनेशन अलर्ट है, इधर आप अपना पसंदीदा जो साउंड है अलर्ट के ये दीजिए, जब आपको कोई सब्सक्राइब करेगा तो ऐसा शो करेगा। और आप चाहे तो हर एक लाइव पे एक गोल रख सकते हैं कि इस लाइव पे मुझे 400 सब्सक्राइबर चाहिए, इस लाइव पे मुझे 100 सब्सक्राइबर चाहिए, ऐसा गोल रख सकते हैं। इधर से आपको बस इधर गोल अमाउंट पे आपको अपना नंबर लिखना है। अब देखो 100,000 मत लिख देना, 100-200 लिखना है, ऐसे बढ़ाते रहना। और अब देखिए इधर नीचे लाइव टूल्स डिस्प्ले नामक एक ऑप्शन है, उसके अंदर और दो ऑप्शन है, ऑन स्ट्रीमर स्क्रीन एंड ऑन व्यूअर्स स्क्रीन। मतलब ऑन स्ट्रीमर्स स्क्रीन के मतलब आपका स्क्रीन में लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पे ये टूल्स जो आप यूज़ कर रहे हो ये कैसा दिखेगा। आप चाहे तो इसको थोड़ा प्लेस भी कर सकते हो टूल्स को इधर उधर, और व्यूअर्स स्क्रीन पे भी आप प्लेस कर सकते हो। आप चाहे तो व्यूअर्स स्क्रीन के ऊपर नज़र देना, इसको अच्छे से प्लेसमेंट करना, और सब कुछ प्लेसमेंट ख़त्म होने के बाद इधर आप अपना जो टाइटल्स है और डिस्क्रिप्शन है इनको चेक कर लेना। चेक करने के बाद पब्लिक पे देना, और फिर स्टार्ट करने के बाद आपका लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगा। और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होने के बाद आपको जो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है वो है कमेंट्स पढ़ना, क्योंकि आप लाइव स्ट्रीमिंग छोड़ के जाके तो कमेंट्स नहीं पढ़ पाओगे, और आपके पास तो PC भी नहीं है, दूसरा फ़ोन भी नहीं है। सो ऐसे टाइम पे ड्यू रिकॉर्डर सबसे ज़्यादा काम आता है, क्योंकि बस ड्यू रिकॉर्डर पे आप अपना जो कमेंट्स है ये स्क्रीन के ऊपर पढ़ पाओगे, और आप उनका रिप्लाई भी कर सकते हो। और जब आपको सब्सक्राइब कोई करेगा तो उसका मैसेज तो आपके सामने आ ही जाएगा, और जब कोई कमेंट भी करेगा तो भी उसका मैसेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। आप चाहे तो इधर स्क्रीन के ऊपर ही लिख के उनको भेज सकते हो। एंड हाँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी आने वाला है जिसमें मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और हाँ, अगर आपको अभी तक कोई भी कन्फ्यूशन है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, एंड अगर आपसे आपको मेरे से मतलब
कोई भी तरह का हेल्प चाहिए है तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन करके मेरे साथ एकदम बात कर सकते हैं, बात करके अपना कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन पूछ सकते हैं। मैं आपको अपना पूरा कोशिश करूँगा हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया है कि मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग सिखा के रहूँगा। और हाँ, अगर आपने इतना दूर तक देखा ही होगा और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। एंड इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी लिंक का बात किया है, जैसे ड्यू रिकॉर्डर प्रीमियम मॉडिफाइड वर्शन एंड मेरा टेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग का वीडियो एंड जो कवर इमेज है, पॉज इमेज है, इनका जो मतलब पिक्चर्स है और जो फाइल्स है, ऐप्स है, ये सब मैं आपको लिंक के ज़रिए दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट पे चेक कर लेना। और फिर से बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो या कमेंट पे भी पूछ सकते हो। और इस वीडियो का सेकंड पर तो ज़रूर देखना, एक वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। एंड पहला वाला वीडियो पे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।